गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है आदित्य का बर्थडे एंड आदित्य के पापा यहाँ, आदित्य के मम्मी यहाँ दिखाए दर्शन करने के लिए। तपन बोले थे सुबह लोग नहीं उठते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। सो जैसे कि आज अद्विक का बर्थडे है तो मैं और तपन सुबह अभी 6 बजे हैं उठ के नहा धो के हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अद्विक को इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि वो कल रात को बहुत लेट से सोया है एंड टायर्ड है, उसको थोड़ा रेस्ट करना उसके लिए ज़रूरी है। एंड मैं चाहती हूँ कि उसका बर्थडे है तो वो आराम से जाए, ज़्यादा हौच-पौच नहीं हो। एंड आज इसलिए हमारा प्लानिंग बहुत ही सिंपल है एंड ईजी है ताकि सब लोग आराम से दिन स्पेंड कर सके। एंड ये ना बनारस की गलियाँ हैं, अभी तो सुबह है थोड़ा खाली खाली लग रहा है लेकिन शाम को इतनी लाइवली लगती है, भीड़ भाड़, मतलब चूड़ियों की दुकान, मिठाई की दुकानें, भगवान की दुकानें, ऐसे बहुत सारे हैं। तो दर्शन हम लोग ने कर लिया है, अंदर कैमरा ऑब्वियसली अलाउ नहीं था तो उसको बाहर रखे हम गए थे। हाँ, तो दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया, अभी हम जा रहे हैं, अभी भी उठ गए, रो रहे तो जाकर उससे मिलते हैं बर्थडे विश करके, क्योंकि हम अभी अपने घर पे नहीं हैं एंड ऐसा कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करने का कुछ था नहीं। माँ बाबा के साथ हम बाहर आए हैं और इतने अच्छी जगह पे आए हैं तो तपन ने मैंने डिसाइड किया कि छोटा सा पैकेट लंच बनाएंगे एंड वो कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही क्या सिंपल से मुझे ऐसा फील हुआ कि ये करना ही ठीक रहेगा यहाँ आके। एंड ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद थोड़ा सा लास्ट डे हम लोग ने शॉपिंग किया था, उसका जो मतलब डिलीवरी लेना था वो हम लोग ने लिया एंड हम फटाफट भागते हुए अद्विक के पास आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आयो तो अभी हम निकल गए मणिकर्णी का जाने के लिए एंड महाभारत टेम्पल जाएंगे, एक ही तरफ ही बोल रहे हैं तो यहाँ से लेंगे टमटम फिर जाएंगे हम आगे। नारियल पानी नहीं कॉक पानी निकल तो ये है महाभैरव जी का प्रसाद। हम लोग लाइन में लाइन ढूंढते ढूंढते इतने आगे गए कि लाइन मिले ही नहीं एंडिंग लाइन, तो फिर बीच में थोड़े पुलिस जो ड्यूटी में थे हमको रिक्वेस्ट करके हम बीच में घुस गए। तो अभी देखते हैं कितना आगे हैं, बहुत आगे हैं एंड गलियाँ बहुत छोटी छोटी सेम है। काल भैरव मंदिर हम लोग ने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिया है एंड आमा का चप्पल वहाँ पे चोरी हो गया था तो मैं अभी आई हूँ चप्पल लेने के लिए। एंड लंच टाइम हो गया था तो हम लोग ने इसके बाद दूसरे मंदिर जाने, मंदिर भी बंद हो जाता है वहाँ पे एक टाइम पे, तो हम लोग आए हैं अभी लंच करने के लिए। एंड अड्डू को मिल गया यहाँ पे उसके फ्रेंड, दोनों ने यहीं पे आके मुंडन किया था, इसमें से एक लड़का है एंड एक लड़की है। इन लोगों को ना लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, ये जस्ट एक दूसरे को देखते हैं, सामने जाते हैं, स्माइल करते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। तो इनको देख के हम भी इंजॉय कर रहे थे, टाइम पास भी हो रहा था, जब तक खाना नहीं आ रहा था तो हम लोग वो दो बच्चे के पेरेंट्स में हम सब इनके साथ में
मतलब थोड़ा बातचीत भी कर रहे थे, तो बस वैसे ही था। अद्दू को बर्थडे के दिन पे फ्रेंड्स भी मिल गए खेलने के लिए, तो मुझे उस बात की खुशी भी थी बहुत। बाय बाय, जाओ मत, समझ से नहीं मानते बाबूजी, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, आज हमारा लास्ट डे है। मैं लिपस्टिक बहुत गंदा दिख रहा है, मुझे पता है, एंड बहुत टायर्ड भी हो गए हम आज सुबह से, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया, कुछ साड़ी खरीदे, कुछ चूड़ियाँ खरीदी यहाँ का, मैंने ये झुमका भी खरीदा है 50 रुपीज़ में। तो माँ बाबू जी को हम लोग ने भेज दिया है वो व्हील चेयर वाले उसमें, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग करके घाट में गंगा आरती देखने के लिए। आज रात का हमारा ट्रेन है तो हम वापस चले जाएंगे, आज लास्ट डे है तो गंगा आरती तो बनती है। तो हम पहुँच गए गंगा घाट, अभी हम जाएंगे बोटिंग के लिए। तो हम बैठ गए हैं बोट पे, एंड यहाँ का नज़रिया कुछ इस तरीके से बहुत क्राउड है, ऐसे बड़ी वाली सीट भी चलती हैं। खाना माँ, यहाँ पे मेरे हैंडसम से ससुर जी थक गए हैं घूम घूम के, यहाँ मेरी ब्यूटीफुल सी सासू माँ बारी। क्योंकि बोट का साउंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है, वॉइस ओवर दे रही हूँ। अभी हम लोग ने अपना ना जर्नी स्टार्ट कर दिया है, ये मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दूँ। अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो साइट सीइंग करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप अगर नहाने के लिए सुबह आते हो और आपको थोड़ा ये साइड तो थोड़ा गंदा ही रहता है, मतलब भीड़ भाड़ रहता है, आपको अपोजिट साइड जाना है तो उसमें मतलब जो बोट है उसके वो चार्ज लेते हैं, एंड बहुत ज़्यादा लेते हैं। लाइक आप अगर प्राइवेट मतलब एक फैमिली के लिए बुक करते हो तो वो 3,000-4,000 से बोलते हैं नहलाने के लिए सिर्फ, एंड अगर आप शाम को जाते हो तो वो 8,000-8,500 ऐसा बोलते हैं, लेकिन बार्गेन आप कर सकते हो। हम लोग ने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद 3,500 में शाम को हम लोग ने ठीक किया था। एंड इसमें क्या होता है ना, आप बोट से ही सारा घाट आपको घुमा देते हैं, एंड वो गाइड भी कर देते हैं कि कौन सा घाट का क्या महत्व है, क्या हुआ था, किस लिए बना, क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा, वो सब आपको गाइड कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पर, तो वैसे भी अच्छा ही लगता है। एंड ये सब घुमाने के बाद वो हमको गंगा आरती भी बोट से ही दिखाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग को वो छोड़ देंगे। तो ये सब के लिए 3,500 हम लोग ने शायद उनको पे किया था। इस बार हम लोग ने अद्विक का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि हमेशा मतलब शोर शराबा मतलब आदमी बुला के वो अभी इतना एंजॉय करने वाला हुआ नहीं अपने दोस्तों के साथ में, तो आगे आगे करूँगी जब वो बोलेगा कि मामा मुझे मेरा भी बर्थडे करके दो। लेकिन मुझे लगा इस पर मैं उसको कहीं बाहर लेके जाती हूँ, भगवान वाली जगह पर लेके जाती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है अपने कल्चर से मिलाना, नेचुरल चीज़ उसको दिखाना, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे बाहर लेके जाने से। तो इसलिए मैंने तो अपने को बोला कि चलो उसके बहाने हम लोग का भी ट्रिप हो जाएगा फैमिली के साथ, अच्छा एक टाइम चला जाएगा। प्लस अद्विक बहुत चीज़ नोटिस करता है, कैप्चर करता है, एंड अपने कल्चर के साथ भी थोड़ा बच्चों को मुझे लगता है कि टच में रखना चाहिए, जो कि मेरे में बहुत कमी है। बींग एन हिंदू मुझे बहुत कुछ चीज़ नहीं पता है, एंड गंगा घूमते घूमते यहाँ पर अद्विक ने पोटी भी कर दी है। मैं हमेशा डायपर अपने साथ कैरी करती हूँ, वाइप्स करती हूँ, एंड एक कैरी बैग भी मैं एक्स्ट्रा से रखती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे साफ ऑफ करके कैरी बैग को बाद में नामने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया। एंड ये मैंने तपन को इसलिए वीडियो करने बोला कि एक याद रहेगा ना, मैं उसको बाद में चिढ़ाऊँगी कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने हम गंगा गए थे, तुमने वहीं पर पोटी कर दिया था। अद्दू जब बड़ा होगा तो ये सब सुन के उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड ये वीडियो भी वो देखेगा तो शायद मुझे उस टाइम को बोले कि मम्मा क्यों किया था नंगू पंगू वाला वीडियो। वाराणसी में ना कहीं सारे घाट है, लाइक 82 या 84 घाट है जो हम लोग को सुनने में आया था, एंड सबके अलग अलग कहानियाँ हैं, एंड कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक नारायण घाट है, नारद जी का घाट है, उसमें कहते हैं कि अगर पति पत्नी नहाए ना तो वो झगड़ा हो जाता है, एंड उसके पास में और एक घाट है और वो झगड़ा ख़त्म करने के लिए आके फिर वो सामने वाले घाट में नहाने से झगड़ा ख़त्म होता है। वो मजाक के तौर पर शायद हम लोग को उन्होंने गाइड किया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ हैं, एंड अभी जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर आप चिता जलने वाले देख रहे हो ना, तो ये है मणिकर्णिका घाट,
जिसपे कहा जाता है कि शिव जी एंड पार्वती माता आए थे यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए। एंड ना जब वो स्नान करके निकले तो उनका जो मनी है एंड कांका है वो उनको नहीं मिला। तो पार्वती जी ने शिव जी को भेजा कि चाहिए मेरा कांका एंड मनी लेके आइए। तो शिव जी को भी नहीं मिला तो किसी ने छुपा दिया था। एग्जैक्ट कहानी अभी सबके मुँह से अलग अलग आपको सुनने को मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ था। तो बाद में पार्वती तो माता तो भगवान है ना, उनको पता ही था कि किसी ने छुपाया है। तो उन्होंने ना उस खास श्राप दिया है कि जैसे मैं चल रही हूँ बिना मनी एंड मेरे कान का जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, वैसे ही ये घाट हमेशा ही जलता रहेगा, मतलब चिता में जलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मतलब श्राप दिया था। तो इसलिए ये अभी तक भी उसको मानते हैं सब लोग कि वो इसके कारण ही यहाँ पे जलते रहता है। जय गंगा मैया, जय। मैं ना भीड़ से भाग के, मतलब तपन को बोल के भाग के आ गई। मुझे एक ब्लाउज लेना था, प्लस बाबूजी के लिए बुक लेना था। बाबूजी बहुत वो कर रहे थे कि अरे मेरा बुक नहीं हुआ, लेट हो गया, ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो मैंने बोला आप लोग तो होटल जाते रहो, मैं आप कुछ लेके आ, कुछ काम है तो बुक ले लिया। लेकिन होटल रूम का जो चाबी है वो मेरे हाथ में रह गया। तो लोग अभी रिसेप्शन में वेट करें एंड मैं फटाफट जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी अभी हमारे साथ ना एक भयंकर चीज़ हो गई है। लाइक हम लोग होटल आए, उसके बाद फ्रेश होके पैकिंग वैकिंग करके केक ऑर्डर किया, हम लोगों को काटने का टाइम नहीं मिला क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था। तो हम फटाफट ऑटो करके हम आए एंड जो भैया हम लोग को लेके आए ना गलत वाले स्टेशन पे लेके गए, क्योंकि बनारस के अंदर 3-4 स्टेशन है। फिर वहाँ से ट्रेन छूटने का डर भगवान, हम लोग जैसे तैसे करके अपने वाले स्टेशन में पहुँचे एंड हम लोग ने ट्रेन पकड़ा। तो इसलिए अद्विक का बर्थडे हम लोग ने बहुत लेट काटा, एक भी अच्छा फ़ोटो नहीं है, प्रॉपर वीडियो नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है, सब लोग सो गए थे, फिर भी हम लोग ने अब केक लेके आए तो काटना ही था, इसलिए मैंने काटा वैसे करके। इस बार ऐसे ही हुआ अद्विक का बर्थडे, होपफुली नेक्स्ट ईयर इससे और अच्छा होगा। एंड प्लीज़ अद्विक को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसको आशीर्वाद दीजिएगा, वो एक अच्छा इंसान बने, इतना ही चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच जो लोग अद्विक को बहुत प्यार करते हैं, कमेंट में पूछते हैं उसके बारे में। तो ये था अद्विक का बर्थडे ब्लॉग, मिलती हूँ अगले वीडियो।